बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इस शहर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि जिस प्रकार से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिस प्रकार से यहां मेट्रो आई है, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर बने हैं, जो बदलाव यहां आया है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो दिल्ली में बना है। और कांग्रेस की सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली में बनाया है। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम दिल्ली की जनता को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये बदलाव कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश करती है। अगर आप हमारे विपक्ष को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, सड़कों की बात होती है, मगर जो लोग होते हैं, जो लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, जो लोग खून पसीना देते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती है। जो गरीब लोग हर रोज इस शहर को बनाते हैं, अगर ये फ्लाईओवर बने हैं तो किसने बनाई ये फ्लाईओवर, अगर ये सड़कें बनी किसने बनाई ये सड़कें, उन लोगों ने बनाई जो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो रोज इस शहर को अपना पसीना देते हैं। तो ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और बाकी पार्टियों में। हम कहते हैं जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जरूर सड़कें बने, मगर जो लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलते हैं रोज, उनकी भी मदद हो। और आम आदमी की सरकार का ये मतलब है, जब किसी गांव में कोई देखता है दिल्ली की ओर, वो सपने देखता है, वो अपने आप से कहता है भाई एक दिन मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मेरा ये छोटा सा सपना है, इसे मैं पूरा करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है गांव से शहर का ट्रांजिशन, आप लोग जानते हो कि आसान ट्रांजिशन नहीं। जब कोई अपने गांव को छोड़ता है, शहर में जाता है, आधा परिवार गांव में रहता है, आप सिर हिला रहे हो, आपको मालूम, कभी कभी बच्चे गांव में रहते हैं, दिल्ली में आके कोई मजदूरी करता है, बीमार होता है, अपना खून पसीना देता है अपने छोटे से सपने के लिए, हम उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। और हमारे लिए सड़क, मोबाइल फोन, फ्लाईओवर सिर्फ उस लिए है कि भाई इन सड़कों पे, इन फ्लाईओवरों पे उन लोगों के सपने पूरे हों, ये हम चाहते हैं। पिछले 10 सालों में हमने डेवलपमेंट का पैराडाइम बदल दिया। पहले क्या होता था, विकास की बात होती थी, अधिकार की बात हमने शुरू की। आज जो हम कर रहे हैं, हम अधिकार दे रहे हैं। विकास देने में और अधिकार देने में बहुत फर्क होता है। अधिकार का मतलब गारंटी करके विकास देना। पार्लियामेंट हाउस में अभी हमने भोजन के अधिकार की बात की और हमारे विपक्षी दलों ने कहा भाई ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ता है, गांव में जाइए पूछ लीजिए लोगों से, मजदूरों से पूछ लीजिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, और आपको लोग कहेंगे भैया
भूखे पेट पे काम करना पड़ता है। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। हजारों साल में पहली बार इस देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा, और ये अधिकार। दिल्ली में जनता को संबोधित कर रहे थे, आज आया